आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट दादर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश सलाबत है। 10 अक्टूबर हो गई है और अब मानसून कई इलाकों से तो विदा ले चुका है, अभी भी ये रुका हुआ है, थोड़ा सा होल्ड हुआ है। जैसे कि आपने देखा था 23 तारीख और 24 तारीख को थोड़ा सा ये विड्रॉ हुआ था, उसके बाद 2 तारीख और 5 तारीख तक थोड़ा सा विड्रॉ हुआ था, उसके बाद ये रुका हुआ है। तो अब ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है, उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही है, तो मानसून और आगे बढ़ सकता है, यानी कि इसकी जो विदाई है आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी भी पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कई इलाके बारिश देख रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट ये है कि जो लो प्रेशर एरिया है, अभी ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन में है लेकिन यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन चुका है लक्षद्वीप के आसपास, ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। यूजली जो भी डिप्रेशन, लो प्रेशर एरिया, साइक्लोन बनते हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं, ओमान यमन की तरफ जाते हैं। कभी कभी जब वो 15 डिग्री लैटिट्यूड पार कर जाते हैं और 65 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इधर ही रहते हैं, तो उनका चांस बनता है कि वो रिकर्व कर जाएं। तो कभी कभी गुजरात के तट पर, ज्यादातर गुजरात के तट पर जाते हैं, और कभी कभी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र और सिंध के आसपास चले जाते हैं। लेकिन ये वेदर सिस्टम अभी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर है तो अपर एयर में, तो उसका क्या होगा, वो इस तरह से हवाएं ये फेंकेगा 200 हेक्टापास्कल पर, वो इस तरह से इसको धक्का देगा तो ये दूर चला जाएगा। तो साइक्लोन बनने की संभावना है भी और नहीं भी अभी कह नहीं सकते। अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसका नाम होगा DANA दाना, और जो कतर द्वारा दिया गया है। जैसे आपको पता है कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में जो तूफान बनते हैं, तो इनके आसपास जो 13 देश हैं वो उनके नाम देते हैं। नॉर्मल कल्चर इस तरह से होता है, 13 देश 13-13 नाम लेते हैं और एक एक करके बारी बारी से जो भी नया तूफान बनता है तो वो पहले से ही लिस्टेड होता है। तो अब अगला नाम जो है वो दाना है, कतर द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बनेगा वो डिप्रेशन बन जाएगा 2-3 दिन के अंदर, और वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। उसका असर भारत के पश्चिमी तट पर कम दिखाई देगा, लेकिन हालांकि अभी भी ये लो प्रेशर एरिया का असर ये केरल, कर्नाटका और महाराष्ट्र के तटों पर दिखाई दे रहा है। लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में भी अच्छी बारिश होगी और ये गुजरात के दक्षिणी इलाकों में भी लाइट रेन हो सकती है। और ये जो आप देखेंगे कि जो सेटेलाइट पिक्चर है उसमें आप देखेंगे बादल हैं जो ये मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व पश्चिमी दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात तक आ रहे हैं, तो इनके कारण भी ये जो मॉइस्चर फील हो रहा है, तो गर्मी बड़ी हुई है, ठंड वर्षा हो रही है, नागौर में अच्छी बारिश हुई थी, तेज बारिश हुई थी, नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो बारिश होती है मॉइस्चर फील के कारण, जब गर्मी के तापमान बढ़ते हैं तो वो ठंड वर्षा जो हो जाती है वो नुकसान पहुंचाती है। अभी भी राजस्थान के कुछ इलाकों में और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ठंड वर्षा होने की संभावना बन रही है। एक दूसरा अपडेट ये है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, ये साउथ वेस्ट वे ऑफ बंगाल और बंगाल की ये श्रीलंका के पास। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये तट के साथ साथ आगे बढ़ेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा और हो सकता है कि डिप्रेशन बनता हुआ ये 15 तारीख के आसपास ये आंध्र प्रदेश के तट को इस तरह से रिकवर करके पार कर दे। और 15 तारीख तक जो बारिश की अवधियां यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ सकती है ये आंध्र प्रदेश के दक्षिण इलाकों में, रायलसीमा में और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में 14-15 तारीख को। और उसके बाद जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो तेलंगाना और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, यानी कर्नाटका के कई इलाके और महाराष्ट्र के इलाकों को पार करता हुआ ये 17 या 18 तारीख को महाराष्ट्र के तट से गोवा के आसपास ये बाहर की तरफ निकलेगा, यानी यहाँ से होता हुआ ये आगे जाएगा और यहाँ पर अरब सागर फिर से इसको एनर्जी मिलेगी, फिर से डिप्रेशन बन सकता है। यहाँ पर थोड़ा कमजोर हो जाएगा अंदर, जब इसकी एनर्जी कम होगी फिर से डिप्रेशन बनकर ये भी ऐसा लग रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी कि कभी कभी दोनों सागरों में तूफान भी बन जाते हैं, डिप्रेशन भी बन जाते हैं। जैसे पहले अम्फन बना था, तेज बना था अम्फन बंगाल की खाड़ी में, तेज अरब सागर में, तो इस बार ये डिप्रेशन दो दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि ये साइक्लोन बन जाए, लेकिन इस साइक्लोन का असर जो है वो भारत के ऊपर कम दिखाई देगा, ये ओमान और यमन की तरफ जाने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। और ये जो डिप्रेशन बनेगा बंगाल की खाड़ी में, इसका असर भी दक्षिण भारत में ही ज्यादा दिखाई देगा, महाराष्ट्र के ऊपर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। जब ये बाहर की तरफ निकलेगा 18 तारीख के आसपास, उससे पहले ही हम इसका असर देख लेंगे कि ये गुजरात के तट पर कितना असर इसका दिखाई देने वाला है, तो ये मान के चलिए। अब अगर देखें तो हम अगर देखते हैं तो ये जो वेदर एक्टिविटी है ये 10 तारीख की, तो आप देखिए यहाँ कहीं पर भी कोई बारिश नहीं है। उत्तराखंड में हल्की हल्की बारिश है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके सूखे हैं। और ये दक्षिणी जो राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कुछ बारिश हो सकती है, उसी तरह से दक्षिणी जो आपका गुजरात है, गिर सोमनाथ, वेरावल और जो सूरत, पलसाड़, नवसारी, भरूच, भावनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की हल्की अमरेली वगैरह में लाइट रेन हो सकती है। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर भी बारिश की संभावना थोड़ी सी आपको दिखाई दे रही होगी। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो ये यहाँ पर आप देखिए
तो ये उज्जैन है, रतलाम है, धार, खांडवा, खरगोन, यहाँ पर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये जो इलाके हैं, नरसिंहपुर, ये सारे इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और थोड़ी सी बारिश बड़ौदा तक भी जा सकती है। इस तरह का वेदर है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अगले 3-4-5 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। यहाँ पर मानसून विद्रोह होने में समय लगेगा और उसी तरह से महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देखेंगे और जो पश्चिमी तट में भी बारिश की अवधि लगातार जारी रहेगी। केरल और लक्षद्वीप में ज्यादा बारिश की संभावना है और इसके बाद जो वेदर सिस्टम है आप देखेंगे कि ये अगर आप देखोगे बिहार वगैरह, झारखंड, ये पूरी तरह सूखे हैं। यहाँ पर बहुत हल्की बारिश अगर बूंदाबांदी होती है, पश्चिम बंगाल में भी लाइट रेन होगी, उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, ज्यादा बारिश नहीं होगी। उड़ीसा और उड़ीसा का इलाका भी लगभग सूख जाएगा, एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। 2 दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण इलाकों के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये सारे इलाके बारिश देखते रहेंगे। मध्य महाराष्ट्र के भी ज्यादातर इलाके बारिश देखते रहेंगे और ये अगर हम देखें 15 तारीख के आसपास, यानी कि जब ये जो डिप्रेशन बनते हैं, 15 तारीख का पिक्चर है, इसमें आप देखिए ये लैंडफॉल करने वाला होगा। उस समय महाराष्ट्र के, ये आंध्र प्रदेश के तट पर भारी बारिश होगी। श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, विजयवाड़ा, कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर, ये सारे इलाके तेज बारिश दे सकते हैं। रायलसीमा में और हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश होगी, कर्नाटक के कई इलाकों में, और फिर ये धीरे धीरे ये अरब सागर की तरफ निकलेगा। तो ये दो अलग अलग वेदर सिस्टम है जो एक के बाद एक बन रहे हैं और लगातार दोनों समुद्र एक्टिव हो रहे हैं। क्या होता है कि इस समय जैसे आपको मालूम है कि जो कल जो लैंडफॉल किया है फ्लोरिडा में, एक जो कैटेगरी 5 का जो तूफान था फ्लोरिडा में, यूएसए में काफी ज्यादा उससे तबाही मचाई है। तो इस समय 2 सीजन होते हैं, एक तो अप्रैल, मई और जून होता है, प्री मानसून होता है, उसमें तूफान बनते हैं, उसके बाद ये बनते हैं अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर पीक पीरियड होता है, उस समय साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और हमारा इंडियन ओशन के साथ साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी एक्टिव हो जाते हैं और इसमें भी तूफान बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब आप तैयार रहिए कि अक्टूबर में तूफान बन सकता है, नवंबर और दिसंबर तक भी एक दो तूफान और बनेंगे, उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और आपको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उसका ट्रैक बताएं, इंटेंसिटी बताएं और लैंडफॉल के बारे में बताएं। क्लाइमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।